टेक्निकल जितने भी छात्रों ने यूपी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो फाइनली उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गाइस आज के वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि आखिर में आप सब यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कब से भर पाएंगे एंड रिन्यूअल फ्रेयर कैसे आपको आवेदन करना होगा। एंड गाइस इसके साथ साथ आपके जो मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर आखिर में पोर्टल कब से खुलने वाला है, तो गाइस आज की वीडियो इन सभी बेसिक नॉलेज पे होने वाला है ताकि गाइस आप सब इसके बारे में जानकर यूपी स्कॉलरशिप का बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में आप ले सके। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज आप वीडियो को स्किप करके मत देखना। वीडियो गाइस सच में आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके अब गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में आप सब फॉर्म को कब से अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइस आपका जो फॉर्म का अप्लाई डेट है इसको अभी तो मान लीजिए अगर आप सब 9वीं के छात्र हैं या फिर 10वीं के छात्र हैं गाइस, तो फाइनली आपका जो पोर्टल है उसको ओपन कर दिया गया है, आप सब आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद गाइस आपका दिसंबर के लास्ट तक आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। ओके अब हम बात करते हैं कि अगर आप सब अगर आप सब 10वीं 11वीं 12वीं छात्र हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपका कब तक आएगा पैसा या फिर आपको आपको कब से अप्लाई करना है। तो गाइस जहां तक उम्मीदें हैं कि अभी तक तो आपको फॉर्म का पोर्टल ओपन नहीं किया गया है, लेकिन मोस्टली चांस है अक्टूबर से आपका जो जितने भी छात्र हैं ग्रेजुएशन वाले या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले या फिर 11वीं 12वीं के वो छात्र अप्लाई कर पाएंगे। और गाइस उनका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो नवंबर आपका लास्ट डेट रहने वाला है, दिसंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मतलब गाइस यहाँ पे क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो फॉर्म का डेट रहेगा वो दिसंबर लास्ट तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और नवंबर मिड में भी आपको मौका दिया जाता है। मतलब गाइस क्या होता है ना कि आपका जो अक्टूबर के लिए फॉर्म को आपका अक्टूबर में पोर्टल ओपन किया जाएगा, ओपन करने के बाद आपको एक महीने का मोहलत दिया जाएगा। अगर आप सर नवंबर लास्ट तक फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे तो सही है, नहीं इसके बाद फिर से पोर्टल आपका ऑफ किया जाएगा, उसके बाद फिर से पुनः इसको ओपन किया जाएगा या फिर डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। हर बार की तरह ऐसा किया जाएगा ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर सके। वैसे तो जो फॉर्म का अप्लाई डेट होता है वो जनवरी लास्ट तक होता है, लेकिन आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे आपको उतना ही जल्दी यूपी स्कॉलरशिप का बेनिफिट दिया जाएगा। तो गाइस यहाँ पे ये आपके लिए काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया तो boardsexam.com विजिट करो और यहाँ पे गाइस जो भी चीज़ें मेंशन आउट हैं चाहे फ्रेश हैं रिन्यूअल हैं आप यहाँ से इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस कोई भी आपको उतना परेशान होना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है सारे लिंक डायरेक्ट लिंक अवेलेबल है। आपको बस अपने जो भी आपके ज़रूरी दस्तावेज होते हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीटली इसके बारे में गाइडेंस करूँगा कि आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाल ही में बस 9वीं के छात्र 10वीं के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 1 अक्टूबर से आपके 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद गाइस आपका जो लास्ट डेट रहेगा वो दिसंबर लास्ट का आपका लास्ट डेट रहने वाला है। ऐसा आप इतने तारीख से पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे तो आप एलिजिबल माने जाएंगे यूपी स्कॉलरशिप के लिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आप चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और मैं आपका कर भी रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।